भारतवर्ष के पश्चिम बंगाल राज्य में हावड़ा शहर में स्थित ये स्टेशन, जो कि हावड़ा के नाम से ही जाना जाता है, वो भारत के सबसे व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है। हाय फ्रेंड्स, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं स्टेशन के बाहर में हूँ और ये जो टैक्सी आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बहुत पुराने जमाने का है। जब हम तो हावड़ा स्टेशन में तो रोड में किस तरह से हो सकता है। मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल में ही ये सब टैक्सी देखने को मिलता है, और वो भी कोलकाता वाला शहर में और साथ में हावड़ा में भी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सुबह का टाइम है, मेरा टिकट विकेट हो गया है और यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादातर ये देखने को मिल जाएगा कि रिजर्वेशन का टिकट दिलवाता है, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा ले लेता है भाई। तो यार हावड़ा स्टेशन इतना बड़ा है कि वहाँ पे 33 प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसमें से 15 नंबर पार हो गए, 15 से 25 के बीच, 22 23 के बीच में मेरे को जाना है, तो उधर ही हम चल रहे हैं। कोई कोई ऐसा होता है ना जो कि हावड़ा नया आया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये टैक्सी के ऊपर में निर्भर करता है। हावड़ा से निकलते ही यहाँ पे बस स्टैंड भी है जो कि कोलकाता के किसी भी कोने में जाने के लिए पर्याप्त है। 16 नंबर से 22 नंबर तक जो प्लेटफॉर्म आता है, इस बिल्डिंग के अंदर में जाते ही वो देखने को मिलता है, और बाकी 1 से 15 नंबर प्लेटफॉर्म तक पीछे वाला बिल्डिंग में। अगर आपके पास टिकट है तो 1 नंबर से 22 नंबर तक प्लेटफॉर्म जा भी सकते हैं, और वहाँ जाने के लिए आपको हावड़ा स्टेशन में बनाया गया कलाकृति, वहाँ का संस्कृति भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और साथ में अंदर में देख जाते हुए आप लोगों को कितना प्लेटफॉर्म है, कितना से कितना नंबर तक, वो भी आप लोगों का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं अंदर में आते ही, और यहाँ पे कोई कोई अपना ट्रेन देख रहा है डिस्प्ले में, और यहाँ पे एनी टाइम ऑल टाइम भीड़ तो होता ही होता है। जैसे कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि ये विश्व का सबसे व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है हावड़ा, और ये हावड़ा स्टेशन जो है कहीं भी गाड़ी यहाँ से आप लोग के लिए जाता है, मतलब कहीं भी जा सकते हैं यहाँ से। और आप लोग देख पा रहे हैं अंदर का नज़ारा इस तरह से है, यहाँ पे सफाई वफाई चल रहा है। ये प्लेटफॉर्म 22 नंबर के आसपास में हम लोग आए हुए हैं, और ये जो बोगी है ये जनशताब्दी एक्सप्रेस का है, और उसी के सामने ये जो पेड़ पौधा लगाया है वाकई कमाल का है। अभी थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा है, सुबह का टाइम में ये सब जो नेचुरल वाला सिस्टम है इतना अच्छा लगता है, वाकई यार मज़ा आ जाता है। आप लोग कभी 22 नंबर 23 नंबर प्लेटफॉर्म में अगर आते हैं तो यहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। देख पा रहे हैं छोटा सा पेड़ है, लेकिन ये बना के 3-4 साल ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे जो पेड़ पौधा, मतलब ये सब जो डेकोरेशन है, ठीक है, डेकोरेशन में रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो कि मेरे को दूसरे स्टेशन में नहीं देखा, ये हावड़ा में ही देखने को मिला। और ऐसे क्या ये, मैंने ये डेकोरेशन को आप लोगों ने नोटिस किया है, और वाकई देखो कितना अच्छा लगता है। और ऐसे हर स्टेशन में अगर रहता है तो थोड़ा बहुत वहाँ का वातावरण भी चेंज हो जाता है, और देखने पर भी बहुत मस्त लगता है। तो ये सब पार्किंग वार्किंग में हुआ करता था, लेकिन अभी ये हम लोगों को हावड़ा स्टेशन में भी देखने को मिलता है। और साथ में मैंने नोटिस किया है कि ये सब के आसपास में लोग जाता नहीं है, लेकिन ये इतना अच्छा नज़ारा दे सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जब सामने जाके इसको शूट किया इस तरह से, तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, और वाकई इसको गौर कर नोटिस करने पर या देखने पर अच्छा ही लगता है, क्योंकि ये सब पेड़ जो है रंग बिरंगा क्या होता है, और हरियाली ज़्यादा थोड़ा बहुत आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि ऐसा लगता है कि इसको कलर करके रखा गया है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जाजापुर टाइप का लोगों सब, छोटे छोटे बच्चों के माथे में बोझ भी था, तो ये सब भी ट्रेन के अपेक्षा में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं वंदे भारत जो है खड़ा है, और ये अभी छोड़ने वाला है पूरी के लिए, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं उसके जो दरवाज़ा है उसके सामने थोड़ा बहुत रुकने का मन करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एसी है बड़ी मस्त है, ज़बरदस्त लगता है। आप लोग देख पा रहे हैं वंदे भारत में अभी भी मैंने ट्रैवल नहीं किया है, और अब इसका जो अगला वाला हिस्सा है इस तरह से है, वो साथ में जो भी जो जो आता है वंदे भारत के सामने थोड़ा बहुत फ़ोटो अपना खिंचवाता है, इसीलिए कि स्मृति के तौर पर इसे रखा जा सके। ये जो वंदे भारत आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरी के लिए छोड़ने वाला है, और नॉर्मल ट्रेन से इसका चक्का जो है अलग टाइप का है। फिर इसका चक्का जो होता है ना इसमें साला 20 ब्रेक होता है। फिर फाइनली 20 नंबर पे टाटा स्टील घुस चुका है। जनरल बोगी में हम जाने वाले हैं, उतना सेट वाला आदमी नहीं है कि रिजर्वेशन करे, ठीक है, नॉर्मल सा आदमी है तो जनरल में जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जनरल में जाने के लिए भीड़ भी बहुत सारा है, और मेरे को ऑलमोस्ट जगह मिल चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा विंडोज़ के सामने, जो कि रिजर्वेशन भी करते तो यहाँ पर शायद मेरे को नहीं मिलता।
और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कानी मोहली का जो एरिया है, जंगल महल एरिया, तो यहाँ पे ये सब जगह हम लोगों को देखने को मिलता है, जो कि कोलकाता के आसपास में भी ये सब मैंने नहीं देखा। सुंदरबन जंगल के अलावा, और कोलकाता से सुंदरबन जाने के लिए डिस्टेंस भी अच्छा खासा है मेरे भाई, और ये हम लोगों का लोकल एरिया है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं।